फरक्का एक्सप्रेस 5 घंटे से भी अधिक लेट। संपूर्ण क्रांति गरीब रथ भी अपने निर्धारित समय से घंटों चल रही लेट। आपको ये भी बता दें कौन सी ट्रेन आज लेट चल रही है, सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। शनिवार के दिन भी 5 अधिक ट्रेनें लेट, अपने निर्धारित समय से घंटों लेट चल रही हैं। सबको अधिक लेट मालदा टाउन भतिंडा फरक्का एक्सप्रेस चल रही है, यह गाड़ी 5 घंटे से भी अधिक लेट है। इसके अलावा लोकल में चलने वाली ट्रेनें भी अपने निर्धारित समय से डिले चल रही हैं। इसमें 03231 राजगीर दानापुर मेमू, 03271 इस्लामपुर पटना मेमू, आपको बता दें चले ये सब 20 मिनट गाड़ियाँ लेट चल रही हैं। 12394 नई दिल्ली राजेंद्र संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 2 घंटे 41 मिनट लेट है। पटना जंक्शन पर इस गाड़ी के आने का समय सुबह 6:35 है। 22406 आनंद विहार भागलपुर गरीब रथ एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 3 घंटे 24 मिनट लेट है। पटना जंक्शन पर इस गाड़ी के आने का समय सुबह 5:55 है। 13483 नालंदा, आपको बता दें मालदा टाउन भटिंडा फरक्का एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 5 घंटे 25 मिनट लेट है। पटना जंक्शन पर इस गाड़ी के आने का समय सुबह 4:45 पर है। 12392 नई दिल्ली राजकीय श्रमजीवी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 1 घंटे 34 मिनट लेट है। पटना जंक्शन पर इस गाड़ी के आने का समय सुबह 7:05 है। 22843 बिलासपुर पटना जंक्शन एक्सप्रेस गाड़ी अपने निर्धारित समय से 20 मिनट लेट है। पटना जंक्शन पर इस गाड़ी के आने का समय 1:50 है। तो आपको बता दें अब ठंड का मौसम धीरे धीरे गुजर रहा है, लेकिन बहुत सारी ट्रेन अभी भी लेट चल रही हैं। फरक्का एक्सप्रेस 5 घंटे से भी अधिक लेट चल रही है। संपूर्ण क्रांति गरीब रथ अपने निर्धारित समय से घंटों लेट चल रही हैं। तो आपको बता दें अब कोहरा और जाड़े से थोड़ी लोगों को निजात मिली है, लेकिन ट्रेनों का समय वही है, अभी ट्रेनों के समय में कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।